फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखने से पहले। रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोग ही इस वीडियो को देखें जो अपने लाइफ में करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। नेगेटिव लोग वीडियो को डिसलाइक करिए और स्किप करके जाइए। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी। चलिए, पॉजिटिव लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वो ये कि दोस्तों, आप सब देखते होंगे कि जैसे कि अगर आपने इंजीनियरिंग का एक दो साल कर लिया होगा, इंजीनियरिंग के बाद तो आप बाहर निकले होंगे, तो आपको सिर्फ एक चीज बताई जाती है कि भैया सिविल इंजीनियर का मतलब है साइड पर खड़े रहो, ठीक है, स्टील चेक करो कि यहां से यहां तक कितना लगा हुआ है, और उसके बाद साइड पर खड़े होकर लेबर को बोलो यहां कितना मटेरियल डालना है। यही सिविल इंजीनियरिंग का एक अवधारणा बना दिया गया लोगों की तरफ से। अब इसको क्रेडिट मैं किसको दूं ये मुझे नहीं पता है, बट मैं एक शुरुआत करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इंजीनियरिंग के पैटर्न को करना चाहता हूं, जो एक्चुअल रूल है सिविल इंजीनियर का वो बताना चाहता हूं आपको। इसके लिए दोस्तों हमने एक पूरा सीरीज स्टार्ट किया है। सीरीज में आगे की वीडियो में बताऊंगा क्या सीरीज है। उसके सीरीज का जो पहला पार्ट है वो पार्ट है ऑटोकैड। मैं ऑटोकैड से आपके करियर को डेवलप करना चाहता हूं। ऑटोकैड हमारा एक कोर्स है जो हम लोग 15 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से? 15 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू बैच ऑटोकैड का। अब उस न्यू बैच में हमें सिर्फ ऑटोकैड नहीं पढ़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ऑटोकैड तो भाई यार तुम यूट्यूब से पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा कि FSI कैसे निकालते हैं, तुमको कैसे पता चलेगा कि बिल्डिंग बाय लॉ कैसे निकालते हैं, सॉरी बिल्डिंग बाय लॉ के क्या रूल्स हैं, तुमको कैसे पता चलेगा रेरा के क्या रूल्स हैं, तुमको कैसे पता चलेगा कि रूम के साइजेस क्या रखते हैं, तुमको कैसे पता चलेगा कि कॉलम का ओरिएंटेशन क्या रखते हैं। ये सब पे पूरा कंप्लीट एक ऑटोकैड का कोर्स मैंने डिजाइन किया है, लाइव बैच, ठीक है, एक लाइव बैच, बहुत ही खूबसूरत इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, ठीक है, आउटर लाइन कितने कितने एमएम की रहती है, लेआउट की थिकनेस कितनी रखते हैं, पेपर के साइजेस कितने होते हैं, उसके बाद जो पेपर है उस पे हम लोग कैसे सेट करेंगे कि 1:5 का 1:50 का इसका ड्राइंग है कि 1:100 की ड्राइंग है, कैसे हम स्केल उसका मेजर करेंगे, कैसे उसकी 3D बनाएंगे ऑटोकैड के अंदर 3D, कैसे रेंडर करेंगे, कैसे लाइट लगाएंगे, कैसे सेक्शन बनाएंगे, कैसे एलिवेशन बनाएंगे, कैसे उसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को मैं ऑटोकैड के अंदर डिजाइन किया हूँ। सिलेबस आप चाहो तो चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस दे दे रहा हूँ। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि इस कोर्स के थ्रू मैं आपको गाइड करना चाहता हूं कि आगे आप कौन सी प्रोफाइल में करियर को बनाओ, ठीक है। ऐसे बताना पॉसिबल नहीं होता, एक दिन में बताना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपने ऑटोकैड का कोर्स किया तो वहां से मैं आपको डायरेक्शन दे पाऊंगा कि देखो यार तुम्हारा ना स्ट्रक्चर पॉइंट बहुत अच्छा है तो तुम स्ट्रक्चर की तरफ जाओ, तुम्हारा आर्किटेक्चर पॉइंट बहुत अच्छा है तो तुम आर्किटेक्चर की तरफ जाओ, तो मैं आपको वहां से फुल्ली एक्सप्लेन कर पाऊंगा कैसे आप खुद की कंपनी की तरफ बढ़ो। तो मेरा एक्चुअली जो एम है वो एम ये है कि कुछ एरिया में जो बड़े बड़े बिल्डर्स और बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बड़े बड़े सिविल इंजीनियर जो बन गए हैं, उन्होंने सबको जो गुलाम बना रखा है, मेरी लड़ाई वहां पर है, मुझे वहां तक लोगों को पहुंचाना है, इतने एंटरप्रेन्योर खड़े करने हैं मुझे कि वो अपने आप ब्रेक हो जाए। जब हमारे पास ढेर सारे एंटरप्रेन्योर होंगे तो प्रोजेक्ट अपने आप डिवाइड हो जाएगा, और जिस दिन प्रोजेक्ट डिवाइड हो गया ना, तो ये जो नंबर दो का काम कर रहे हैं, नंबर एक का काम कर रहे हैं, किसी को मैं पर्सनली नाम नहीं लूंगा, बट आप ब्रेक कर सकते हो उस रूल को अगर आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन गए। तो मेरे जो कोर्स है, जो मैं कोर्स का डिजाइन कर रहा हूँ, इसका कोर्स का डिजाइन का यही मेथड है मेरा कि मुझे अच्छे अच्छे सिविल इंजीनियर्स तैयार करने हैं जो खुद का बिजनेस डेवलप कर सके। इसके आगे भी मैंने ग्राफ बनाया है जो कि आपको ऑटोकैड के अंदर भी डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर ही, कि आप ऑटोकैड के बाद कैसे करियर को आगे ले जाओ, कैसे करियर को आगे ले जाओ जिससे कि आप सही डायरेक्शन पे और लास्ट तक पहुंच जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना जो कोर्स आप बता रहे हो उस कोर्स का बहुत ज्यादा फी रखे होंगे, तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फी से कोर्स को मत जज करना, फी से कोर्स को मत जज करना। क्यों? क्योंकि फी हमने क्यों रखी है 899, मतलब 899 रुपए। अब आप सोचो कि सर 899 रुपए में आप क्या सिखाओगे। प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, फी से कोर्स को मत जज करना। ये मैं फी क्यों रखा हूं, इसलिए कि हर वर्ग का लड़का इसको सीख सके। मतलब साइट पर जो लड़का जॉब कर रहा है वो भी अपने मोबाइल पे ईयरफोन लगा के सुन सके, वो भी लड़का जो अभी इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है वो भी इस चीज को सुन सके। आगे की इंडस्ट्री में कैसे जाना है, कैसे स्ट्रक्चर में करियर बनाना है, कैसे बीम में करियर बनाना है, इस चीज को समझ सके, उसके लिए ये तरीके से एंट्री पास है। इसलिए मैं इसको जितना कम हो सकता था मैं उतने में कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ये एजुकेशन है ये बिजनेस नहीं है, एजुकेशन ये बिजनेस नहीं है, ये एक सर्विस है। डेफिनेटली सर्विस फ्री में नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, आपके अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खत्म हो जाएगी।
डेफिनेटली उसकी एक सर्विस की चार्ज लेनी चाहिए, बट बिजनेस नहीं है इसलिए इसका फी मैंने कितना रखा है 899। और किसी के पास कभी भी प्रॉब्लम होता है मुझे व्हाट्सएप करते हो, मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका मैंने हेल्प ना किया हो, आप सबको पता है। तो अब इस कोर्स को करने के बाद आपको कंप्लीट ऑटोकैड प्लस रेरा प्लस बिल्डिंग बाय लॉ प्लस रूम के स्टैंडर्ड साइजेस, बिल्डिंग बाय लॉ को बहुत डीप में समझेंगे एक एक बारीकियों को कि टाउन प्लानिंग कैसे करते हैं, एनए कैसे करते हैं प्लॉट को, एनए टीपी क्या होता है, ये सब कुछ। स्ट्रक्चर में करियर बनाने के लिए स्ट्रक्चर ड्राइंग किस तरीके से बनाएंगे, बीम में करियर बनाने के लिए कैसे कैसे ड्राइंग्स बनाना पड़ता है, आपको किसी ने बोला कि मुझे इतने बाय इतने का प्लान देना है, उसको प्लान के साथ क्या क्या देना पड़ेगा, उसकी फी क्या चार्ज करनी पड़ेगी, कितने रुपए स्क्वायर फीट आप चार्ज कर सकते हो, ये सब कुछ इस कोर्स में मैं स्टार्ट किया हूँ। कोर्स को अप्रॉक्स 40 to 45 days का कोर्स रहेगा, 40 to 45 days का कोर्स रहेगा जो कि आपको काफी कुछ सिखा देगा ऑटोकैड के अंदर। इसको कौन कौन कर सकता है, सेकेंड ईयर का बच्चा कर सकता है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और जो अपने साइट पर जॉब कर रहे बच्चे जो परेशान हैं कि मुझे यार कैसे मैं मैनेज करूं, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं एक मिडिल क्लास की। तो जैसे ही हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं 2 to 3 years के बाद हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आपको शादी करनी है, मैरिज करना है। अब आप सोचते हो कि यार मैरिज कैसे करूं, क्योंकि मैं तो साइट पर दिन भर खड़ा रहता हूं, वहां साइट है, मैं कैसे फैमिली मैनेज करूंगा, आप परेशान हो जाते हो। तो इस कोर्स को डिजाइन करते टाइम मेरे माइंड में ये थॉट भी था कि हमको ऐसा करना है कि जो फंस चुके हैं या फंस कैसे गलत वर्ड मत लीजिए सेंस मत लीजिएगा फंस इन द सेंस जो बेचारे परेशान है कि मैं कैसे मूव करूं, उन लोगों के लिए एक तरीके से एंट्री है। इसमें आइए ऑटोकैड में, डेफिनेटली आपकी सैलरी ड्राफ्टिंग से स्टार्ट होगी, बट मैं इतने स्किल्स उसके बाद आपको सिखा दूंगा कि धीरे धीरे आप बहुत ही जल्दी मैं आपको 25 to 30 thousand rupees की सैलरी तक पहुंचा दूंगा। स्टार्टिंग आपकी 12,000 से होगी, 10,000 से होगी, 15,000 से होगी, इससे ज्यादा नहीं होती ऑटोकैड पे, बट जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज मैं ऐड करता जाऊंगा आपके पैकेज धीरे धीरे इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो जिसको भी अपना कैरियर बनाना है, एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो हो सके तो अपने इंजीनियरिंग के जूनियर्स को फैलाओ। क्यों? क्योंकि जूनियर्स को ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे फाइनल ईयर के बाद आते हैं, कोई एक कॉन्ट्रेक्टर मिल जाता है, वो बोलता है साइड पर खड़े रहने का तुम्हारा काम है, मुझे इस रूल को तोड़ना है, मुझे इस रूल को तोड़ना है। इसलिए प्लीज अपने जूनियर्स को करो, और अगर आप मेरे थोड़ा सा भी हेल्प करते हो तो डेफिनेटली इससे बड़े बड़े हेल्प मैं आपको करके दूंगा। ऑलरेडी मैंने आपको एक बहुत बड़ा हेल्प दे दिया, लाइव क्लासेस आपको मैं 899 rupees में मैंने आपको दे दिया। कैसे पे करना है, कैसे क्या करना है, यहाँ सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 9792621121 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा। 9792621121 मेरे इस स्टार्ट का, मेरे इस शुरुआत का थोड़ा सा बारीकी से समझना। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उनको होती है जो 4 to 5 years इंजीनियरिंग कर चुके हैं और अब उन्होंने साइट पर किया है, मूव ऑन करने में उनको कितनी दिक्कत आती है। तो हमारे जो जूनियर्स हैं, अगर वो निकलते हैं, उनको भी अगर यही दिक्कत फेस करना पड़ेगा, तब तो यार शर्म आनी चाहिए हमें कि हम तो जानते थे फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो जानते थे तो कुछ करना है तो एक शेयर करिए और उनको पहचाइए, ठीक है? उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपने बहुत ही अच्छे से पसंद किया होगा, इसको यार लाइक ठोकना, और अगर डिसलाइक करना है तो नीचे कमेंट करना कि सर इस वजह से मैं डिसलाइक कर रहा हूँ। सो दैट नो वन इज परफेक्ट, इवन आई एम नॉट परफेक्ट, मैं हो सकता है कुछ करेक्शन हो मैं कर लूंगा, ठीक है? नॉट रिक्वायर्ड टू डिसलाइक, जस्ट कमेंट कि सर ये चीज मुझे लगा इसकी वजह से मैं डिसलाइक करना चाहता हूँ, ठीक है? बोल दो, हम उसको इंप्रूव करेंगे जिससे नेक्स्ट टाइम वो चीज ना हो, ठीक है? तो आपसे हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, और प्लीज पैसे से मत जज करना इस कोर्स को, ठीक है? एक्चुअल में इस कोर्स का मैं फी रख देता कि आपको 15,000 पे करना है तो आप बड़ा चौक जाते हैं, बड़ा अच्छा कोर्स है, 15,000 रुपए फी है, इसलिए नहीं रखा कि जो इंजीनियरिंग के लड़के हैं ऑलरेडी वो 1,00,000 रुपए फी देके परेशान है, 1.5 lakh rupees फीस देके परेशान है, जो बाहर हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो इससे ज्यादा रख दूंगा तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जॉब मिल जाए आपको फिर मैं आपको चार्ज कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये सब कर सके इसके लिए किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। होप आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो अप्रिशिएट करिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि लोग साथ दे रहे हैं इसकी वजह से कर रहा हूँ। चलिए जय हिंद जय भारत।